अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप लोग के दुआ से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक फाउंडेशन की रिव्यू करने वाली हूँ, और ये जो फाउंडेशन है स्विस ब्यूटी हाई कवरेज का फाउंडेशन, इसे मैंने लोकल मार्केट से मैंने इसे परचेज़ किया। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आपको नायका पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर मिल जाएगा। तो ये फाउंडेशन हमको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल गया, मुझे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। तो इसकी सारी डिटेल्स और सारी पैकेजिंग के बारे में आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलते मैं वीडियो के स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी ने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों देख सकते हैं इसकी है आउटर पैकेजिंग, और ये है स्विस ब्यूटी हाई कवरेज फाउंडेशन। सिल्की है टच, क्रिएट द न्यूड मेकअप, वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन, और इसकी सेफ लाइफ है 3 इयर्स। ये बहुत अच्छी बात है कि इसे मैं 3 साल तक चला सकती हूँ आराम से। और ये है वाइट आइवरी वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन, और इसका शेड है 01, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इसे 01 वाला मैंने इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन होता है 01। तो अब मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करती हूँ। जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था इसकी प्राइस है 399, पर डिस्काउंट करके 350 में मुझे मिला। पर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इसके एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, और 299 या 280 में मिल ही जाता। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज़ किया। सो दोस्तों अब मैं फाउंडेशन के इस बारे में बताती हूँ। तो ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, विथ डबल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर एंड प्लांट एसेंस विथ बीबी क्रीम, लैक स्किन फीलिंग परफेक्टली कम्फर्टेबल, लैक लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर इफेक्ट, मेक स्किन रेडियंट एंड इमैक्यूलेट। मतलब ये बीबी क्रीम जैसा इफेक्ट फीलिंग देता है, और कंसीलर इफेक्ट है, स्किन को रेडियंट रखता है। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, और इसे किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे पूरे फेस पर अप्लाई करने से पहले फेस को आप मॉइस्चराइजर कर ले, तभी जाके आप इसे अप्लाई करें। आप अच्छे अमाउंट में ले लें और पूरे होल फेस एंड नेक पर इसे अप्लाई करें। इसकी इंग्रेडिएंट्स है वाटर है, ग्लिसरीन है, मिनरल्स ऑयल है, थर्नी फोलिया सीड ऑयल है, मतलब बहुत सारे इस सब चीज़ से मिलकर तैयार हुआ हुआ है। और इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों अब मैं इसे इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ, और ये जो है देख सकते हैं ग्लास की बॉटल है। ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत क्यूट सा बॉटल लगा। और जो कैप देख रहे हैं इसकी प्लास्टिक का कैप है, और ये पंप वाला है, तो इसे आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, पर ये इसे हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ले जाने में टूटने का डर लगता है, रिस्की है। तो अब मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो दोस्तों इसे अब मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और ये अच्छी तरह से इजीली ब्लेंड हो जाता है। अगर एक बार में अच्छी तरह से कवरेज नहीं देती है तो इसे डबल लेयर ज़रूर लगाएंगे, फुल कवरेज ये देगा। तो ये फाउंडेशन मुझे बहुत बेस्ट लगा। इससे पहले भी मैंने इसे इस्तेमाल किया, तभी मैं जाके इसे रिव्यू दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड बार में मैंने लगाया कि फुल कवरेज ये फाउंडेशन दे रहा है, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है फाउंडेशन। सो दोस्तों देख सकते हैं कितना डिफरेंट दिख रहा है, ये हैंड में जो मैंने अप्लाई किया और ये हैंड में नहीं मैंने लगाया। तो ये जो हैंड में मैंने जो अप्लाई किया फाउंडेशन, काफ़ी लाइटन वाइटन अच्छा लग रहा है, और ये जो फाउंडेशन बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है। सो दोस्तों ये जो फाउंडेशन बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, और ये जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो बिल्कुल काला नहीं पड़ता, सबसे अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल हो, पिंपल्स के दाग हो, तो ज़्यादा हाइड नहीं करता है। जब अप्लाई करते हो इससे पहले आप कंसीलर लगा लें, तभी जाके आप इसे लगाएं, और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोसी लुक देगा। तो देख सकते हैं ये भी मैंने यूज़ कर चुकी हूँ इससे पहले, ये पूरी की पूरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखे नहीं रहते, सिर्फ सेट नंबर दिया हुआ है। इसी के हेल्प से मैंने इसे परचेज़ किया। दोस्तों जो हाई कवरेज जो फाउंडेशन है इसका शेड है 01 से लेके 06 तक, पर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट 01 लगा। और बहुत लोग के नेचुरल खोजते हैं फाउंडेशन, मतलब जैसे मेरी स्किन हो वैसा ही फाउंडेशन जो मैं लगाऊं तो बिल्कुल पता ना चले, सबके अपने अपनी चॉइस है।
दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और साथ ही साथ नॉर्मल स्किन वाले ऑयली स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा फाउंडेशन का रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा रहा मेरा रिव्यू। और मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।